मेकर फेस्ट का मकसद है सेलिब्रेशन ऑफ मेकर स्पिरिट, बनाने का जो चाव है लोगों के अंदर उसे दिखाना। फर्क नहीं पड़ता आप क्या बनाते हो, आप खाना बनाते हो अलग तरीके से, आप मेकर हो, आप कपड़ा बुनते हो आप मेकर हो, आप एम्ब्रॉयडरी करते हो आप मेकर हो, आप रॉकेट बनाते हो आप मेकर हो, आप इंजीनियरिंग में कुछ भी करते हो आप मेकर हो, आप मैथमेटिक्स में नई इक्वेशन ढूंढते हो आप मेकर हो। तो मकसद है जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे बैठे हैं और जो बच्चे आएंगे और भी, उनको एक अल्टरनेट देना। अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं तो सिर्फ 9 to 5 की एक जॉब ही आपके लिए करियर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री 9 to 5 जॉब नहीं होती है, उसके अंदर 9 to 5 की जॉब होती है, लेकिन इंडस्ट्री अपने आप में 24 आवर की जॉब होती है। सभी इंडस्ट्रियल्स यहाँ बैठे हैं आपको बताएंगे। तो जो कल्चर है उसका मेन मकसद है ये, US, UK, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज, जापान, इवन अफ्रीका और बहुत सारी जगहों पे ये इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना ली है। अब हर साल वो इंतज़ार करते हैं कि जब साल का वो महीना आएगा जिसके अंदर हम लोग आके अपनी कला दिखाएंगे, हमने पूरा साल क्या बनाया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कमर्शियल है या नहीं है, वो सेल के लिए बनाया है या नहीं बनाया है, वो शौक के लिए बनाया हो सकता है। आप 9 to 5 कोई काम करते हो और शाम को आके कारपेंटरी का काम करते हो शौक के लिए, वो आपका शौक हो सकता है। हर एक का अपना एक सपना होता है बचपन में, आप कुछ ना कुछ करते होंगे, हर कोई करता होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो हॉबी छूटती गई। तो मेन मकसद इस मेकर फेस्ट का वही है, उस तरह की हॉबी को दोबारा से लाना। और जो आरसी फेलोशिप है और आरसी फाउंडेशन है, सबसे पहला मेकर फेस्ट जो हुआ था वो अहमदाबाद के अंदर पिछले 4 सालों से हो रहा है, ये उसकी एक ब्रांच है। पहली बार नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आज से पहले नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा साइंस और मेकर्स को लेके कोई इवेंट नहीं हुआ है। और मेरठ इसलिए चुना गया क्योंकि मेरठ ओरिजिनल मेकर्स का शहर है, तो यहाँ से इतने मेकर्स निकलते हैं, हम लोग उसे जुगाड़ कहते हैं, हम लोग ही भाषा में है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे, देखना कोई जुगाड़ हो जाएगा क्या, ये हमारी भाषा में है। जो जुगाड़ है दैट इज द सिंबल ऑफ मेकरिज्म हियर, जुगाड़ जो हमारे यहाँ पे किया जाता है वो मेकर्स हैं। आप लोग अभी जब देखेंगे ATVs बच्चों ने बनाई है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि 100 km/h पर जाती है, जो कि अभी कोई नहीं कर पाया वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी, रोड सेफ जो जिसे बनाया जा सकता है। तो और इतनी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे एक मशीन आई हुई है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अनोखी है, आज से पहले कोई नहीं कर पाया, और ऐसे इतने सारे इनोवेशंस यहाँ पे हैं जो आज से पहले दुनिया में कोई नहीं कर पाया, सिर्फ मेरठ के अंदर हुए हैं, और आप उन सबको यहाँ पे देखेंगे। आज और कल का दिन पूरी तरह से मेकर्स के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए हमने इसे 2 zones में बांटा है, those were the past makers and today's industry, these were the tomorrow's industry and today's makers. So आप दोनों हिस्सों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इधर वाले उधर वालों से बहुत कुछ सीखेंगे, उधर वाले इधर वालों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा पूरा समय इंजॉय करेंगे इस चीज को, और बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है जितने सवाल पूछ सकते हो पूछो, जितने लोग यहाँ पे हैं उन्हें जब तक तंग ना कर दो तब तक सवाल पूछो, वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरे हिंदुस्तान से आए हैं।